जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 8 अक्टूबर को होने जा रही है वोटों की गिनती, यानी काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे ये 8 अक्टूबर का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। अब मैं पूरे जम्मू कश्मीर का तो आपको समीकरण नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिला सांबा को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जिला सांबा की तीनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर आज बात करूंगा, जिसमें सांबा विधानसभा क्षेत्र, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और उसी के साथ साथ विजयपुर विधानसभा क्षेत्र, क्या है इन तीनों सीटों की प्रेडिक्शन, ये आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन पार्टी यहां पर जीत कर आएगी और यहां से उस पार्टी का एमएलए जीतकर असेंबली में पहुंचेगा। तो मैं एग्जिट पोल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में भी आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो आज 5:30 बजे के आसपास जो वो तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं कि कहां किसकी सरकार बन रही है। मैं बात करूंगा सांबा जिला की, तो सांबा जिला की अगर सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर बात करें, जो हम अभी तक देख पा रहे हैं, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उसी के साथ डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, इन तीनों पार्टियों का मुकाबला होता नजर आ रहा है सांबा विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए रामगढ़ चलते हैं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें तो यहाँ की क्या है प्रेडिक्शन, ये भी आप बताएं। लेकिन हमारा जो सर्वे हम देख पा रहे हैं ग्राउंड पर, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर नजर आ रही है, इन दोनों के बीच में मुकाबला होता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो उनका भी जो उम्मीदवार है वो भी अपनी छाप छोड़ता नजर आ रहा है। लेकिन समीकरण क्या होते हैं ये 8 अक्टूबर को देखना है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। विजयपुर की बात करते हैं, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि यहां पर भी कौन जो है वो जीतता है और असेंबली में पहुंचता है। एग्जिट पोल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रेडिक्शन क्या है वो आप भी जरूर बताएं। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि सांबा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी इंडिपेंडेंट और डीपीएपी कैंडिडेट के बीच में, रामगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच में, और विजयपुर में बीजेपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। यानी सांबा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, विजयपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं, हालांकि हमारा आंकड़ा गलत भी हो सकता है, और रामगढ़ का सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो अब मात्र आज 5 तारीख हो चुकी है, कल और परसों का दिन है, मंगलवार को सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे रुझान आएंगे, रुझान नतीजों में बदलते जाएंगे, और उसके बाद दोपहर होते होते यहाँ पर उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो भी चुनावी उम्मीदवार हैं उनकी जीत यहाँ पर हो जाएगी और वो असेंबली में पहुँच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, सरकार किसकी बनती है, और जो इस समय एक मांग लगातार जम्मू के लोग उठा रहे हैं कि डोगरा सीएम जो है इस बार होना चाहिए, हिंदू सीएम होना चाहिए, ये मांग भी लगातार जो वो लोगों की हमें देखने को मिल रही है। लेकिन 8 अक्टूबर का दिन अब दूर नहीं है, जब यहाँ चुनावी नतीजे घोषित होंगे, काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और हमें अपने अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए हमारे एमएलएज मिलेंगे जो असेंबली में पहुँचेंगे और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर बात करेंगे। लेकिन क्या है आपकी प्रेडिक्शन इन तीनों असेंबली विधानसभा असेंबली सीट्स को लेकर, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो अभी भी मैं आपके साथ जो वो क्लियर नहीं करूंगा, जो हमारे मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर अभी मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ प्रेडिक्शन जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप किसको जिता रहे हैं, कौन होना चाहिए सांबा से, विजयपुर से और रामगढ़ से विधायक यानी एमएलए जो असेंबली में पहुँचेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यही उम्मीद करें कि जो भी जीत कर जाएगा वो विकास की बात करेगा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, और सांबा जिला में विकास एक बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। 8 अक्टूबर का दिन अब मात्र बिल्कुल पास है,
मंगलवार को यानी 8 अक्टूबर को जहां पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जनता का मत भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जनता के मुद्दों को जाना, जिन मुद्दों के आधार पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, एक बड़ा वोट परसेंटेज हमें देखने को मिला। लेकिन उसी तरह से अब हम जनता की राय जानेंगे कि कौन हो सकता है सांबा, रामगढ़ और विजयपुर से MLA यानी विधायक जो असेंबली में पहुंचेगा। वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।